जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी, जय भारत और जय श्री राम। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड, अच्छी एनर्जी और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और आज साइंस ऑफ सनातन का नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कार्ड्स आपकी मदद कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इनके साथ रिलेटेड महसूस कर रहे होंगे, प्लस आप मोटिवेटेड होंगे इनको एज अ कार्ड रीड करने के लिए, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप अभी तक हम प्लैनेट कार्ड्स पे हैं, हमने 1 to 9 प्लैनेट कार्ड्स करेंगे, फिर हम हाउसेस के कार्ड्स पे आएंगे। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी का एंगल भी थोड़ा सा रखूँ यहाँ पर, ताकि आप एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंस जो है वो भी समझ पाओ। पर मैं भी एस्ट्रोलॉजी में इतनी डीप नहीं हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मुझे पता है उतना मैं आपके साथ कनेक्शन जो है सनातन का या एस्ट्रोलॉजी का बिठाने की कोशिश करूँ। तो आज हम मंगल की बात करेंगे, और एज अ प्लैनेट मंगल हम हैं बहुत ही गर्म स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और रेड है, इतना बेसिक तो हम सबको लगभग पता होगा मार्स या मंगल के बारे में। और बाकी की चीज़ें हम कार्ड में देखेंगे, देखेंगे कि आपकी लाइफ के अलग अलग एरियाज़ पे अगर मार्स का कार्ड या मंगल का कार्ड आता है तो वो किस तरह से रिलेट करना है आपने क्लाइंट्स को, या जो भी आपसे रीडिंग लेने, गाइडेंस लेने आते हैं उनको किस तरह से सलाह देनी है, और अपने लिए किस तरह से गाइडेंस लेनी है इन कार्ड से। बुक में कार्ड्स के बारे में सब कुछ दिया गया है, आपकी लाइफ के हर एक एरिया में कैसे वो कार्ड अप्लाई करता है। तो हम यहाँ पर बियॉन्ड द बुक आएंगे और हम कार्ड के साथ रिलेट करने की थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करेंगे। ये कार्ड्स कैसे लेने हैं उसके बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगी। तो आज देखते हैं मार्स की एनर्जी यानी मंगल की एनर्जी जो है वो कैसी है और आपकी लाइफ के बारे में क्या बताती है। तो मंगल, मार्स का कार्ड, तो जब ये कार्ड देखोगे आप तो इस पर आपको क्या क्या दिखाई देगा। एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो आपको प्रेजेंस दिखाई देगी वो रेड कलर की दिखाई देगी, क्योंकि मार्स और या मंगल जो है वो लाल रंग के साथ एसोसिएटेड होता है। दूसरा, आपको यहाँ पर एक क्रो दिखाई देगा, कौवा दिखाई देगा, मार्स गॉड या मंगल भगवान जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। एक रैम हेड है यहाँ पर, बकरे का सर आप इसको बोल सकते हो, या भेड़ का सर बेसिकली, नॉट रियली बकरे का, वो है यहाँ पर सेंटर में। और यहाँ पर वॉर का सीन है, यहाँ पर फायर है, और यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिखे गए हैं, और यहाँ पर मंगल का मंत्र है, नंबर 3 का कार्ड है और मंगल की एनर्जी का कार्ड है। तो ये तो बेसिक डिपिक्शन है। अब मंगल का कार्ड बताता क्या है, मंगल एज अ प्लैनेट क्या बताता है। तो मंगल या मार्स जो है वो लीडरशिप एनर्जीज बताता है, वो हमारे अंदर का वॉरियर जो है, हमारे अंदर की जो करेज होती है, हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है, हमारे अंदर का जो वॉरियर होता है, हमारे अंदर जो डिज़ायर होती है, या जो हमें एक डिज़ायर की तरफ जाना होता है पूरी एनर्जी के साथ, वो बताता है। ये एम्बिशंस बताता है, कॉम्पिटिशन बताता है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी बताता है, लेकिन इम्पल्सिव बिहेवियर्स भी बताता है। असर्टिवनेस है, चैलेंजेस को अप्रोच करने की एनर्जी है, एक तरह से आपकी इनर एनर्जी, इनर एबिलिटीज़ को फाइट करने की एनर्जी है, डिटर्मिनेशन है, ये कमांडर की एनर्जी है बेसिकली, वो जो लीड लेना भी जानता है, जो एक्शन लेना भी जानता है। लेकिन ये ज़्यादातर एक्शन एनर्जी से रिलेटेड कार्ड होता है, मतलब ये ऐसा लीडर नहीं होगा जो सबको सबको समझ के सबकी देखेगा कि इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है, इसको क्या हो रहा है। नहीं, ये ऐसा लीडर होगा जो बोलेगा चलो तो मतलब चलो, अटैक तो मतलब अटैक, आप कैसा भी फील कर रहे हो, कुछ भी है, आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब आपको आगे बढ़ना है। तो थोड़ी सी एग्रेसिवनेस होती है इस एनर्जी में, इस कार्ड में थोड़ा सा एक्शन होता है, थोड़ी कमांड टाइप की फीलिंग जो है मंगल के साथ होती है। और मंगल जो है ऑन इट्स नेगेटिव आस्पेक्ट, वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप अपनी बात के सिवाय किसी की बात सुन ही नहीं सकते हो, या कोई कुछ बोलता है आपको इमिडिएटली आप रिएक्ट कर देते हो। एक बहुत एग्रेसिवनेस वाली एनर्जी, या एक वॉर, बहुत लड़ाका या वॉर वाला बिहेवियर जो है वो ये एनर्जी लेकर आती है। अगर आप टैरो कार्ड से कहीं रिलेट करेंगे तो थोड़ा सा ये कार्ड जो है ये डेविल की एनर्जी के साथ भी कनेक्टेड दिखाई देगा आपको, क्योंकि
एक तरह से बहुत ज़्यादा जब फायर हो जाती है तो वो खुद को भी जला देती है। तो ये एक बैलेंस है जो मंगल के कार्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्स जो है एज अ प्लैनेट रेड कलर होता है, ये ब्लड से भी रिलेटेड होता है, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ या ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उनको भी ये कार्ड जो है, ये ग्रह जो है ये इंडिकेट करता है। अब जब आप मार्स की एनर्जी देखो या मार्स का कार्ड देखो, और मान लीजिए कि आप किसी के लिए भी या अपने लिए गाइडेंस ले रहे हो, अपने लिए रीडिंग ले रहे हो, और मार्स की एनर्जी जो है वो आपको दिखाई देती है, स्पेशली अगर मैं बोलूँ हेल्थ के एरिया में, तो स्टार्ट करते हैं हेल्थ से कि मार्स की एनर्जी अगर हेल्थ में आती है तो हेल्थ में आपको क्या क्या किस किस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं हेल्थ में हो सकते हैं। तो यहाँ पर मार्स की एनर्जी अगर हेल्थ में आती है तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला ब्लड रिलेटेड इशूज़ जो हैं वो हो सकते हैं, वो माइनर भी हो सकते हैं, मेजर भी हो सकते हैं, लेकिन ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर अचानक से हेल्थ इश्यूज़ होना और बहुत एग्रेसिव हेल्थ इश्यूज़ होना एकदम उनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है। चोट लगना, वूंड लगना, जलना या फायर से किसी तरह का ख़तरा होना, उनकी एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होती है। इन्फ्लेमेशंस होना, उसकी एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होती है। तो मंगल की एनर्जी के साथ या मार्स की एनर्जी के साथ जब आप मिलाकर देखोगे और किसी के आपको हेल्थ में सबसे पहले देखना होगा, तो आप देखोगे ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू तो नहीं है, या हीट, बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा हो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो, या ब्लड का फ्लो जो है वो सही ना हो, या कई बार ब्लड कैंसर या डीप ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं जहाँ पर बार बार ब्लड चेंज करना पड़ता है, उस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, यहाँ पर कई बार इस तरह की एलर्जीज़ आ जाती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको वीट से एलर्जी होती है, तो पर्टिकुलर इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम हो गई है या किसी एक पर्टिकुलर मतलब हेल्थ इशू जो है वो इम्यून सिस्टम को आपके इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज़ होती हैं या वाटर रिलेटेड हाइड्रेशन रिलेटेड डिजीज़ होती हैं वो भी यहाँ पर आती हैं। तो डिहाइड्रेशन की एनर्जी यहाँ पर, इनडाइजेशन की एनर्जी, एसिडिक हो जाना बॉडी का, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाना बहुत ज़्यादा, गैस्ट्रिक हो जाना बहुत ज़्यादा, वो भी हेल्थ इशूज़ ये कार्ड जो है वो बताता है। अब आपको हेल्थ इशूज़ तो पता है कि ये कार्ड्स कौन से हेल्थ इश्यूज़ बताता है, लेकिन आप सजेशंस क्या दोगे, गाइडेंस क्या दोगे, हेल्प कैसे करोगे, राइट? तो यहाँ पर जो भी हेल्थ इशू है उनको लेकर लीनियंट होना जो है वो अप्रोच सही नहीं होगी। यहाँ पर डेफिनेटली अपने हेल्थ के प्रॉब्लम्स को रिलेटेड एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हाइपर होना जो है वो भी ठीक नहीं होगा। तो एक बैलेंस अपनी हेल्थ को लेकर लाना पड़ेगा, विच मीन्स कि अगर आपको कोई इशू है या अगर आपके क्लाइंट को आपको कोई इशू दिखाई दे रहा है, आप उसको बोलोगे कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप पेशेंस रखें, ठीक है? क्योंकि मंगल जो है ना वो पेशेंस कम रखता है, या मार्स जो है ना उसमें पेशेंस की कमी होती है, वो जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहता है। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि क्लाइंट क्या कर रहा होगा कि एक हेल्थ इशू हुआ, मानो आज एक डॉक्टर के पास गए, दवाई ली, दो दिन नहीं फ़र्क पड़ रहा है, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, तीसरे के पास चले गए, आयुर्वेदिक एलोपैथिक मिक्स कर दिया, आयुर्वेदिक से होम्योपैथिक पे चले गए, होम्योपैथिक से एलोपैथिक पे चले गए, एक शिफ्ट 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 ऑफ एनर्जी, शिफ्ट 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 ऑफ मेडिकेशन, वो बहुत जल्दी 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 हो रहा हो क्योंकि उसको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, उसको जो भी हो रहा है उसको फटाफट रिलीफ चाहिए। यहाँ पर शॉर्टकट्स मारना हेल्थ को लेकर, वो एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर कोई जिम फ्रीक हो जाए, बहुत जल्दी मुझे अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, मुझे अपनी बॉडी एकदम बिल्कुल परफेक्ट करनी है, और मुझे पूरे एग्रेशन से अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, और अंदर ही अंदर हेल्थ में कोई इशू हो जाए, सडन हार्ट अटैक आ जाए, सडन ब्लड फ्लो रुक जाए, ये चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं, ये चीज़ें इस कार्ड से पॉसिबल हैं। जैसा मैंने बोला कि बुक में और बहुत कुछ है, लेकिन मैं बुक के बियॉन्ड जा रही हूँ, मैं इमेजरी आपको रीड करना बता रही हूँ कि कार्ड की इमेजरी से आप कैसे रीड करोगे या कार्ड की इमेज से आप कैसे रीड करोगे। तो फायर है, एसिडिटी वाला इशू है ना, अब एसिडिटी कैसे आपको हेल्प कर, मतलब एसिडिटी में क्या चीज़ आपको हेल्प करेगी, यहाँ पर डाइजेशन बेटर क्या करेगा, वाटर, क्योंकि हीट है, हीट को शांत क्या करता है, पानी। तो वाटर इनटेक अपना इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। रेड एनर्जी आपको स्ट्रांग दिखाई दे रही होगी, रेड क्या होता है, रूट चक्रा होता है, तो ग्राउंडिंग करना आपको यहाँ पर हेल्प करेगा, पेशेंस डेवलप करना यहाँ पर हेल्प करेगा,
बहुत ही ज़्यादा डू एंड डाई सिचुएशन में ना आना, थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से चीज़ों को एड्रेस करना वो हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस के साथ आगे ना बढ़ना, बल्कि आराम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना वो आपको हेल्प करेगा। यहाँ पर आप किसी को मान लीजिए हेल्थ के लिए उपाय देना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे, बर्ड्स को फीड करना। यहाँ पर क्रो है, आपको क्रो दिखाई दे रहा है, क्रो मार्स की एनर्जी के साथ रिलेट करता है, तो क्रोज को फीड करना वो बहुत हेल्प करेगा। अगर आर्मी के लोग आपके आसपास रहते हैं तो उनको किसी तरह से सपोर्ट करना, या उनको किसी तरह का कोई या कुछ बना के खिला दिया, या एक स्माइल भी दे दी, जय हिंद बोल दिया, वो आर्मी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप रखना, मैनेजमेंट के साथ, हायर मैनेजमेंट के साथ, सिक्योरिटी के साथ, आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी है वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा सा खुश रखना, या थोड़ा सा उनके लिए पुलिस, इन सारे महकमों में जो भी लोग सेफ्टी सिक्योरिटी लीडरशिप से रिलेटेड हैं उनको किसी ना किसी तरह की हेल्प या सपोर्ट करते रहना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होगा। इवन अगर आप किसी तरह का छोटा सा घर पर ही छोटा सा कपूर जला लेते हो, थोड़ा सा हवन सामग्री डाल देते हो, वो भी आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल होगा। रेड चीज़ों का दान भी बोलते हैं मंगल के साथ कई बार, कि अगर आप रेड चीज़ें डोनेट करोगे या रेड कलर अपने आसपास रखोगे, उससे क्या होता है बेसिकली आपका जो मंगल क्या है, बेसिकली मार्स की एनर्जी क्या है कि आपको हाइपर करती है, फटाफट 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 मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे अभी ये ले लेना है, मुझे अभी वॉर जोन में डाल देती है। और वहाँ पर क्या होता है ना, आपका रूट थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड होता है और आप अनकम्फर्टेबल फील करते हो, आप किसी जगह बिलोंग नहीं, ठहर के नहीं बैठ सकते हो। तो उसके लिए जब आप रेड कलर जो है अपने आसपास रखते हो, या रेड कलर डोनेट करते हो, या ग्राउंडिंग करते हो, तो आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हैं, जिसकी वजह से आपकी हाइपरनेस जो है वो बैलेंस होती है। और जब वो बैलेंस हो जाती है तो आप उसी एनर्जी का बहुत अच्छे से प्लान तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो, और उसी एनर्जी को अपने एक्शन में डाल के अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ बेनिफिशियल कर सकते हो। ठीक है, तो हेल्थ को लेकर इन सब चीज़ों का आप क्लाइंट को अपने आप के लिए भी कर सकते हो, क्लाइंट को भी सजेशन दे सकते हो। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, एसिडिटी अगर लगातार हो रही है तो आप क्या खा रहे हो उसका ध्यान देना ज़रूरी होगा। अगर आप किसी भी तरह का नॉनवेज ले रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करना या कम करना जो है वो हेल्पफुल रहेगा। बहुत हीट जनरेटेड फूड या बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना जो है उसको कम करना वो भी हेल्प करेगा। तो फूड रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं उनमें चेंजेस लाना, प्लस ब्लड प्योरीफायर, ऐसी चीज़ें लेना जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करें, आपके ब्लड को इम्प्रूव करें, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, आप सोचते हो कि ये भी हो सकता है, हेडेक्स भी हो सकती हैं यहाँ पर, तो वो आप क्योंकि रूट डिस्टर्ब्ड है ना, तो हेडेक्स, साइनस, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो बाकी आपके माइंड में जो आता है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, या अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं जवाब दे दूँगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप्स की। तो मंगल के साथ रिलेशनशिप्स कैसी होंगी, अब आप मंगल की एनर्जी देखिए, मतलब फायर है, रैम हेड है, वॉर चल रही है, क्रो की एनर्जी है। अब आप मंगल की एनर्जी, तभी बोलते हैं ना मांगलिक तो शादी में दिक्कत होगी, या मांगलिक की शादी सिर्फ मांगलिक से हो सकती है, तो मंगल शादी के उसमें भी कई बार प्रॉब्लमेटिक बन जाता है, किसी का बहुत स्ट्रांग होता है। तो वन ऑफ द रीजंस इज कि जो मंगल जिनका स्ट्रांग है या मंगल की एनर्जी जिनको हावी हो रही है, वो थोड़े से हार्ड हेडेड होते हैं, या थोड़े से बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी में होते हैं, वो सबको लीड करना चाहते हैं और वो सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आर्मी वाली एनर्जी, आर्मी कमांडर होता है तो वो सबको लेफ्ट राइट लेफ्ट करवाना है तो करवाना है, तुम्हें कुछ भी हो रहा है डजेंट मैटर, कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, डिसिप्लिन फॉलो करना है तो वो करना ही करना है, तो वो एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे जाता है। और रिलेशनशिप्स में यहाँ पर ये हो सकता है, रिलेशनशिप्स में फाइट्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स में इंटरनल एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा हाइपरनेस हो सकती है। यहाँ पर फिज़िकल ड्राइव बहुत ज़्यादा हो उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से सेटिस्फेक्शन बहुत कम हो उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है ना। तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स में आपको
इश्यूज मल्टीपल होंगे, झगड़ा और लड़ाई तो मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज़ होगी कि किसी तरह का रिश्तों को लेकर झगड़े जल्दी हो जाना, बनना नहीं किसी के साथ, या एकदम कोई ऐसी चीज़ बोल देना जो दूसरे को हर्ट कर जाए, या एकदम फायरी बिहेवियर में आ जाना, एकदम चीज़ों को जगह को छोड़ कर चले जाना, दोस्ती तोड़ लेना, उस तरह की एनर्जी जो है ये बहुत स्ट्रांग होती है मंगल के साथ। मैं आपको प्रॉब्लम्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आएगा ना, कोई हैप्पी गो लक्की है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो वो रीडिंग कराने नहीं आएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तभी वो रीडिंग कराने आएगा। सिमिलरली आप भी अपनी लाइफ में कोई चीज़, कोई प्रॉब्लमेटिक आपको सिचुएशन लग रही है, तब आप अपने कार्ड्स निकाल के पूछोगे मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, मुझे क्या हो रहा है ना। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स को समझना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी हैं मंगल के साथ जुड़ी है वो सब बुक में हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट को क्या सजेशन देनी है या अपने लिए क्या सजेशन देनी है, थोड़े से पेशेंस डेवलप करने हैं, गुस्से में डिसीजंस नहीं लेने हैं, गुस्से में किसी को कुछ नहीं बोलना है, थोड़ी सी शांति जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, थोड़ी सी ग्राउंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। आप बोल सकते हो कभी भी गुस्सा आए पानी का ग्लास, पानी अपने पास रखना है, पानी का एक ग्लास पी लेना है ताकि थोड़ी सी शांति हो जाए। बहुत ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है, हर किसी को सिर्फ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करनी है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के पार्टनर के साथ ये दिक्कत हो, है ना, कि इनका जो इसका जो लाइफ पार्टनर हो या जो फैमिली मेंबर हो या फिर जो भी हेड ऑफ द फैमिली है वो बहुत डोमिनेटिंग हो और वो बहुत जल्दी जल्दी चाहता हो कि बस ये कर लो वो कर लो, आर्मी ज्वाइन करो मतलब आर्मी ज्वाइन करनी है, डिफेंस में जाना है मतलब डिफेंस में ही जाना है। अब आप कुछ और करना चाहते हो और कोई आपसे कुछ और कराना चाहता है, या फिर लाइफ पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग है या सिर्फ अपने हिसाब से बात नहीं सुनता है, बात नहीं समझता है, तो यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं, या तो मूव ऑन करो अपने रिलेशनशिप से अगर, और यहाँ पर फिज़िकल हर्ट या फिज़िकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ भी हो सकता है रिश्तों में, तो अगर तो किसी भी तरह का अब्यूज़ है तब तो रिलेशनशिप से आगे बढ़ना जो है वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप हैंडल हो सकती है तो यहाँ पर पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, अपने आप को बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, अपनी चीज़ को बैलेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, अपने शब्दों का चुनाव जो है वो बहुत अच्छे से करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, कोशिश करना कि आर्ग्यूमेंट में ना पड़ो, या कुछ भी ऐसा है जब आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो किसी कोई एक पर्सन जो है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए और जब सिचुएशंस बैलेंस्ड हो तब बात करे, तो वो रिलेशनशिप्स को बेटर करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर प्रेगनेंसी रिलेटेड इशूज़ भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा हीट इन द बॉडी, तो उस पर थोड़ा सा काम करना, कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो वो मेडिकल हेल्प लेना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर ना एनर्जी वाइज ऐसा हो सकता है कि मिसकैरेजेस हो जाते हों, मतलब बेबी कंसीव हुआ और तीसरे मंथ में चौथे मंथ में मिसकैरेज हो गया क्योंकि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करना उस चीज़ को बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं करियर की, तो करियर में तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है आपको करियर, है ना, डिफेंस आर्म फोर्सेस से लेकर डिफेंस से रिलेटेड किसी भी तरह का करियर जो है यहाँ पर ज़रूर आएगा, फायर से रिलेटेड कोई भी करियर जो है यहाँ पर होगा, तो फायरमैन हो सकते हैं, कोई भी फायर ब्रिगेड से रिलेटेड किसी भी तरह का, या जो अचानक किसी भी कैलामिटी में हेल्प करने जाता है ग्रुप ऑफ पीपल वो हो सकता है, डिफेंस सिस्टम के साथ रिलेटेड हो सकते हैं देश के, या किसी भी कंपनी के सिक्योरिटी फोर्सेस में हो सकता है। सो जितना भी सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, फायर, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोफेशन हैं वो मार्स की एनर्जी के अंडर आते हैं और इस कार्ड के अंदर जो है वो दिखाई देंगे आपको, या इस कार्ड के अंदर आएंगे, कवर होंगे। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ है जो डायरेक्टली ये नहीं आता है, लेकिन जो लोग मीडिया या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जो मोस्टली वॉर जोन में होते हैं या नेचुरल क्लैमिटी के जोन में
चीज़ें होते हैं वही चीज़ें कवर करते हैं वो भी यहाँ पर आएगा, क्योंकि अगर आप देखें तो क्रो उड़ रहा है, यहाँ वॉर हो रही है, क्रो उड़ रहा है, ऊपर से सब कुछ देख रहा है। तो मैंने बोला कि हमें डिपिक्शन के साथ जाना है कि ये कार्ड जो है क्या डिपिक्ट करते हैं और डिपिक्शन में आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है, ना कि टिपिकली सिर्फ एक ही थॉट के हिसाब से जाना है। तो यहाँ पर वो सारे लोग जो वॉर जोन में या वो किसी भी नेचुरल कलेमिटी के टाइम में किसी भी तरह की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कवर करते हैं, आसपास होते हैं, वो भी प्रोफेशंस इस एनर्जी में साथ में आएंगे। ठीक है, ब्लड से रिलेटेड प्रोफेशंस जैसे बुचर्स होते हैं वो प्रोफेशन भी यहाँ पर आ जाएगा, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर होगी। ब्लड डोनेशन हॉस्पिटल्स या ब्लड डोनेशन एरियाज होते हैं, या कुछ लोग काम ही यही करते हैं, डोनर्स होते हैं, ब्लड ही डोनेट करते हैं, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी एनर्जीज ये कार्ड कवर करता है। अब यहाँ पर प्रोफेशन में क्या दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पर प्रोफेशन में दिक्कत हो रही होगी, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, या तो फिर विल पावर या करेज जो है, या हिम्मत जो है, या एक्शन लेना, सोचना और उसको एक्शन में डालना, उसकी बहुत इनर फायर या तो बहुत होगी या बहुत कम होगी, तभी प्रोफेशन में दिक्कत आएगी या वर्क प्लेस में दिक्कत आएगी। तो इस पर्सन को टीम वर्क सीखना पड़ेगा, इनर फायर अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने पैशन की एनर्जी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने पैशन को फॉलो करना पड़ेगा, काम को वर्क को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बट साथ में एक बैलेंस के साथ अपनी हेल्थ को बैलेंस करना पड़ेगा। देयर कुड बी कि बॉस या कोई भी ऐसा पर्सन हो आसपास जो थोड़ा सा ओवर डोमिनेटिंग हो, या जो बात बोल देता हो तो दूसरे की बात ना सुनता हो। दिस कुड बी विद द क्लाइंट और विद एनीबडी एल्स जहाँ पे क्लाइंट काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्स में ना यूजुअली यू डोंट हैव मच स्पेस जहाँ पर आपको कमांड फॉलो नहीं करनी है, यहाँ पर आपको कमांड फॉलो करनी होती है। तो अगर वो कमांड फॉलो करेगा, अगर थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, अपने आप को एक्टिव रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, तो वर्क में ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि मंगल ग्रोथ भी देता है। ऐसा नहीं है कि मंगल ग्रोथ नहीं देता है, पर आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आप कॉम्पिटिशन की एनर्जी में जाते हो, जब आप सीखते हो, जब आप अपनी पावर को समझते हो, आप अपनी इनर एनर्जी को समझते हो, तो आपको डेफिनेटली चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, और अचीवमेंट्स भी होती हैं, फिनेंशियल गेन्स भी होते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप और ये प्रॉब्लम भी हो सकती है दैट यू नो यू आर नॉट एबल टू फॉलो द डिसिप्लिन जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में है, या ये भी हो सकता है जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो वहाँ पर इस पर्सन को आदत है एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के साथ चलने की, और वहाँ पर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता है, तो वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है उस जोन में या उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा टाइम लेना, एंड थोड़ा सा उस जोन को, उस एनर्जी को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा बिफोर इमिडिएटली जंपिंग इन टू नेक्स्ट जोन। क्योंकि जब भी ये एनर्जी होती है तो आपकी कोई लर्निंग भी एसोसिएटेड होती है ना, तो अगर यहाँ पर लर्निंग एसोसिएटेड है तो अगर आप सीधा आगे से आगे जंप करते जाओगे तो फिर वो एसोसिएटेड लर्निंग जो है वो नहीं लिया आपने, अगर नहीं ली तो अगली ऑर्गेनाइजेशन में अगली जगह पर भी आपको सेम प्रॉब्लम मिलेगी। तो इसीलिए जस्ट जंपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिनेंसिस की, मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पर बहुत एग्रेसिवनेस है, अगर आप देखो फायर है, बहुत सारा पैशन है, आर्मी की एनर्जी है। मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम राइट विद दिस कार्ड, पर मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखती है जहाँ पर एक पैशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत एग्रेशन ना रखना, मनी को लेकर बैलेंस्ड रहना, बहुत एकदम खर्चे पे खर्चा नहीं करना, अपने इंट्यूशन की बात सुनना और पेशेंस के साथ मनी के साथ डील करना, दैट्स गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन बहुत हाई एनर्जी में होगा और जो भी चीज़ एक बार डिसाइड कर लेगा ना उस चीज़ को फुलफिल करके छोड़ेगा, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो इंट्यूशन हो, चाहे वो इनर एनर्जी हो, बट
फैक्ट दिस पर्सन विल हैव टू फाइट अ फाइट. ये बहुत आसानी से स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी में नहीं जाएगा. इसको अपनी जंग जो है वो लड़नी पड़ेगी, अपनी इनर एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा. क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बहुत एकदम डोमिनेटिंग हो जाते हो या आप बहुत ज़्यादा हायर एनर्जी में चले जाते हो या बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आपकी इनर फायर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपका पेशेंस कम हो जाता है और उसकी वजह से हम बोलते हैं कि एंगर जो है वो कली है और पेशेंस जो है वो कल की है. तो वो एनर्जी बैलेंस करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. ठीक है. हाँ, मंगल की एनर्जी है, मंगल की चैंटिंग कर सकते हैं, क्रो को फीड कर सकते हैं, और जो मैंने बोला आर्मी डिफेंस इन सब से रिलेटेड कुछ करना या इनको किसी तरह से हेल्प करना या कपूर जलाना, हवन सामग्री को यूज़ करना, ये सब उपाय जो है ना ये बहुत अच्छे से काम करेंगे. रेड चीज़ें अपने आसपास रखना, रेड चीज़ों का दान करना और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. ठीक है. बाकी अगर आपके माइंड में और भी चीज़ें आती हैं तो आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, और क्वेश्चंस हैं तो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं. हाँ, ये कार्ड्स अगर आपको लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको एड्रेस बता देंगे तो मैं आपको कार्ड्स कुरियर कर दूँगी. कार्ड्स का प्राइस जो है 1347 है, तो 1347. और अगर आपके कुरियर चार्जेस 100 रुपीज़ तक हैं तो वो इसमें इंक्लूडेड होंगे. अगर उससे अबव हैं तो फिर वो ओवर एंड अबव होंगे, है ना. चलो ठीक है गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. जय श्री राम, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ.